बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है वो फ्राई करना। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए माशाल्लाह कितना तेरा गोल्डन कलर इनको आ गया विंग्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स अब इसको अच्छे से हिला लेते हैं। माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा जो है हमारा कलर इसका आ गया रेड रेड सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैं एक टेस्ट भी कर लेती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट चिकन जैसा बिल्कुल गल के जूसी सा चिकन है। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़रीन सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप देखने वाले से रिक्वेस्ट है कि जल्द से हमारे कुकिंग विद नाज़रीन के साथ जुड़ जाएँ और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो से हमारी रेसिपी है वो है मज़ेदार से चिली हॉट विंग्स। और ये कैसे बनेंगे, इसकी रेसिपी ये है कि मैंने यहाँ पे जो से 1 kg ज़्यादा हॉट विंग्स ली हैं, मतलब विंग्स दी हैं। इनको हमने हॉट बनाना है, कैसे बनाना है इसके अंदर मैंने शामिल किया है लहसुन अदरक का पेस्ट, सुरख मिर्च, हल्दी और हसब ज़रूरत नमक। ये है जी इसकी मैगिनेशन। अब इसको मैगिनेट करके हम लोगों ने जो है वो रख देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोग इसकी फ़िलहाल मैगिनेशन करके रख रहे हैं और फिर मैं आपको बताऊँगी मज़ेदार से जो से चिली हॉट विंग्स है वो कैसे तैयार होंगे। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से जो से मैगिनेशन कर लिए, सब के सब जो से विंग्स हैं इनके ऊपर मैंने जो से वो कट्स भी लगाए थे ताकि जो से मैगिनेशन है वो अच्छे से इसके अंदर जो सी है वो चली जाए और जो हमारा फ्लेवर है विंग्स का वो अच्छे से डिवेलप हो जाए। तो अब मैं इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, कम टाइम है, तो आप इसको 1 से आधा घंटा भी मतलब जो सा है वो उसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ सकते हैं। तो मैं इसको 1 से 2 घंटे के लिए मैगिनेट कर रही हूँ और फिर इसके बाद जो सा है हम मज़ेदार से हॉट विंग्स जो घर पर तैयार करेंगे तो आप इंशाल्लाह इसके बाद जो सा बाज़ार के और जो हमारे फ्रेंचाइज हैं उनके सबके सबके जो से हैं वो विंग्स को भूल जाएंगे और इंशाल्लाह आप लोग यही बनाएंगे और आपके बच्चे और बड़े सब आपसे इसकी फरमाइश करेंगे। तो इसको अब छोड़ देते हैं मैगिनेट करने के लिए और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो से विंग्स मैंने मैगिनेट करके रख दिए थे। अब यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्न फ्लावर, मैदा और चावल का आटा। ये जो विंग्स हैं इसको मैं इसके अंदर कोटिंग करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबके सब जो से विंग्स हैं इनको फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबके सब जो से विंग्स हैं हम लोगों ने जो से कोटिंग कर ली है, एक्स्ट्रा जो से कोटिंग है उसको आप लोगों ने जो से है वो ऊपर से उतार लेना है। आप लोग इसको झाड़ कर उतार सकते हैं। तो उसको हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे जो से है वो फ्राई करना है। तो अभी बस आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए माशाल्लाह कितना तेरा गोल्डन कलर इनको आ गया विंग्स को। तो अब मैंने जो सा इनको एक बार फ्राई कर लिया है, अब इन सबको मैं निकाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो सेकेंड टाइम फिर से फ्राई करेंगे लेकिन जो भी रिमेनिंग चिकन है, रिमेनिंग विंग्स है, मैं उनको फ्राई कर लेती हूँ। जिसको मैं अभी रख रही हूँ तो उसको हम लोग दोबारा बाद में फिर फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बाकी भी जो से विंग्स हैं उनको हम लोग इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम हम लोगों ने उनको फ्राई करना है और जो सा एक्सेस उसको हम लोगों ने वो उतार दिया। ठीक है, सारे ये विंग्स जो से हैं मैंने सेकंड टाइम जो से उसको फ्राई करने लगी हूँ। मैं फर्स्ट टाइम मैंने ये कर लिए, ये रख ली, और वो विंग्स जो से मैंने पहले फ्राई किए थे उनको मैं सेकंड टाइम फ्राई कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इनको 2 बार फ्राई करना, तो इनको भी मैं अच्छे से एक बार फिर से फ्राई कर लेती हूँ। इसके बाद जो से हम लोग इनको तैयार करेंगे हॉट, क्योंकि हमारे जो से हैं हॉट चिली विंग्स हैं। किस तरह इसको हम लोगों ने हॉट और स्पाइसी और टेस्टी बनाना है वो मैं आपको फर्दर बताऊँगी। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको जो से हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें फीडबैक दें और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने कढ़ाई के अंदर जो से 1 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही विंग्स जो से भी मैंने आप लोगों के सामने फ्राई किए थे इसके अंदर मैंने डाल दिए। अब इसको टेस्टी और फाइनल टच देने के लिए इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे सोया सॉस। बाकी भी जो है विंग्स वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, और ये चिली सॉस अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लेकिन मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ वो 1 टेबल स्पून आप लोगों ने ऐड करनी है। एंड लास्ट पे हम लोगों ने इसके अंदर केचप ऐड करनी है। ये तो व्यूअर्स अब इसको अच्छे से हिला लेते हैं। माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा जो सा है हमारा कलर इसका आ गया रेड रेड सा। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको जो सी आज की हमारी हॉट विंग्स की, चिली हॉट विंग्स की रेसिपी पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह जब आप लोग बनाएंगे तो आपके घर वाले इसको बहुत पसंद करेंगे। तो बस अब हम लोगों ने इसको 2 मिनट और मज़ीद कुक करना है और फिर लास्ट में हम लोग इसके ऊपर एक और चीज़ शामिल कर रहे हैं
सिनेमन सीड्स मैं ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें अमेजिंग। तो अब इसको 2 मिनट हम लोग और मज़ीद पका लेते हैं और फिर इसको डिश आउट करते हैं। तो व्यूअर्स अब ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जैसे चिली हॉट विंग्स हो गए हैं तैयार। अब इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक। तो मज़ेदार से चौंसे चिली हॉट विंग्स हो गए हैं यहाँ पे तैयार और इतने टेस्टी और इतने यमी हैं। तो मैं आप लोग सामने एक टेस्ट भी कर लेती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट चिकन जैसे बिल्कुल गल के जूसी सा चिकन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको जो आज की रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो अपनी फीडबैक ज़रूर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये आपका प्यार है, हमारी हौसला अफजाई है। तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।